हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। इस वीडियो में बात करते हैं एक न्यू वैकेंसी की जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आई है। ठीक है, ये यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियर, इसके लिए 25 पोस्ट है, जनरल के लिए 21, ओबीसी के लिए 2, SC ST के लिए 1-1। ठीक है, यहाँ पे पे लेवल है 35,400 से 1,12,400 तक, और एज लिमिट 18 ईयर से 27 ईयर्स तक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इसके इक्विवेलेंट। नेक्स्ट नंबर 2, जूनियर अकाउंटेंट का 7 पोस्ट, इसके लिए भी 7 पोस्ट है, जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 2, SC के लिए 1। ओके, पे लेवल आप देख सकते हैं, और एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 ईयर्स और 27 ईयर्स, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 ईयर्स। नेक्स्ट, अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरे 3 नंबर में आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर, इसके लिए 8 पोस्ट है, जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 1 और SC के लिए 1। और यहाँ पे भी एज लिमिट सेम है, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 क्लास पास या फिर इसके इक्विवेलेंट में आपको रहना पड़ेगा, और यहाँ पे स्किल टेस्ट भी लगेंगे। ठीक है, स्टेनोग्राफी के लिए। नेक्स्ट नंबर 4, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 33 पोस्ट है, और यहाँ पे UR के लिए 17, OBC के लिए 12, SC के लिए 4। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ भी सेम एज है, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th माध्यमिक, आपका माध्यमिक और उसके इक्विवेलेंट में होना होगा, और उसके अलावा मिनिमम स्पीड इंग्लिश टाइप राइटिंग के लिए आपको 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी टाइप राइटिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज भी होना चाहिए, और इस वे जो वैकेंसी है ये 2017 में पहले बोला गया था लेकिन वहाँ पे कैंसिल हो गया था, तो इसलिए ये अभी फरवरी 2019 में ये आया है वैकेंसी। इसके अलावा अगर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एज लिमिट है SC ST और OBC के लिए, वो एज लिमिट नहीं है, 27 ईयर्स जैसा कि था वो उनके लिए एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो 650 OBC और UR के लिए, और 450 है SC ST, PC, STC और PWD के लिए। ठीक है, सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, और इसके लिए अलग, फिर उसके बाद क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट भी होगा टाइपिंग वगैरह के लिए। और इसको अप्लाई करने के लिए क्या ये है, तो अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे 11 सिटी है, यहीं पे कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई और लखनऊ। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको एग्ज़ाम में ही पास होना होगा, और जो भी टेस्ट वगैरह है उसमें भी आपको पास होना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा दिया हुआ है।